नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ax² + bx + c = 0, तो उसका डिस्क्रीमेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। और यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाएगी कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमने डिस्क्रीमिनेंट निकाला है डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। दो रूट निकलेंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। सेकंड केस में अगर डी की वैल्यू 0 बनती है तो उस केस में हमारे पास 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी कुल मिला के आपके पास कितना रूट बनेगा, एक ही रूट बनेगा। दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के दोनों इक्वल ही आएंगे। थर्ड केस में यदि d की वैल्यू नेगेटिव बन रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या करना है, पहले तो नेचर फाइंड आउट करना है इनका कि रूट कैसे होंगे, और उसके बाद यदि रियल रूट है तो उन्हें इवेल्युएट करके दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू बनेगी कोफिशिएंट ऑफ x -3 और c की वैल्यू आ रही है +5। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इवेल्युएट करेंगे d = b² - 4ac। वैल्यू तीन सेलेक्ट कर लेते हैं, b की वैल्यू है हमारे पास -3, -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। इवेल्युएट करते हैं -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास +9 माइनस, ये हो गया आपके पास 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। इवेल्युएट की वैल्यू बना आपके पास -31। -31 एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका कोई भी आपके पास रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं, a = 3, b = बनेगा -4√3 और c की वैल्यू होगी जो आपके पास कांस्टेंट टर्म दे रखी है c = 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = b² - 4ac, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है हमारे पास 3 × c, c की वैल्यू है हमारे पास 4। इवेल्युएट करते हैं माइनस का स्क्वायर तो आपके पास प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर बनेगा 3, 16 × 3 वैल्यू बनी 48 -4 × 3 = 12, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो आपके पास 48 से 48 कैंसल आउट हो गया, वैल्यू आई है 0। यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 बन जाता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इवेल्युएट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = -b + √d/2a। वैल्यू इंसर्ट करते हैं, b की वैल्यू है हमारे पास -4√3, तो b की जगह हम लिख देते हैं -4
स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 3, इवैल्यूएट कर लेते हैं वैल्यूज को, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 4 रूट 3 बाय 2 इंटू 3, तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, रूट 3 से आप चाहो तो इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए, तो वैल्यू बनेगी 2 रूट 3 बाय 3। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आने हैं, यहां पे देखा जाए तो एक ही रूट बन रहा है आपके पास, तो ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट में पहले यहां से ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एफ 2, बी की वैल्यू माइनस 6 और सी की वैल्यू है प्लस 3। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट डी इवैल्यूएट करेंगे, डी इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी की वैल्यू इंसर्ट करते हैं माइनस 6 रेज टू पावर 2 माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, माइनस 6 का स्क्वायर बनेगा 36 माइनस 8 3 24, सब्ट्रैक्ट करते हैं 36 में से 24 तो वैल्यू आ रही है प्लस का 12, क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग रूट होंगे, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2 ए, इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू आई है हमारे पास 12 बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 2। ये हो गया हमारे पास प्लस का 6 प्लस माइनस, इसे लिखा जा सकता है 2 रूट 3 2 इंटू 2, बिकॉज 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और ये आपके पास अंदर रहेगा स्क्वायर रूट 3, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 को कॉमन लिया है यहां से बाय में 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रूट बनेंगे वो बनेंगे आपके पास, एक तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और सेकेंड रूट होगा आपके पास, एक बार प्लस का निशान ले लीजिए यहाँ पे, एक बार माइनस का ले लीजिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2, तो आपके पास ये दो रूट्स आ जाएंगे इस वाले की इक्वेशन के। थैंक यू।